ऑल इंडिया माली सैनी सभा के द्वारा साप्ताहिक प्रशिक्षण के अंतर्गत वर्चुअल करियर गाइडेंस प्रोग्राम रखा गया, जिसमें जूम मीटिंग के माध्यम से कक्षा 5वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक के बच्चे अपने अभिभावकों के साथ शामिल हुए। सभी के मन में करियर को लेकर कई तरह की बातें चल रही थी। सभी को यह तो पता होता है कि हमें करना क्या है, लेकिन यह पता नहीं होता कि लक्ष्य मिलेगा कैसे। आज ऐसे ही कुछ सवाल थे सभी के मन में। इन सभी सवालों के जवाब बड़ी ही आसानी और सरलता के साथ दिए करियर काउंसलर डॉक्टर सुधीर सिटोकी ने। सुधीर सिटोकी सीईओ और फाउंडर हैं फ्यूचर मेकर एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के साथ ही बिजनेस कोच, लाइफ कोच, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। इनका फिजियो हिप्नोसिस डीएसयू एंड हर्ष इंस्टीट्यूट बैंगलोर से चल रहा है। इतनी छोटी सी उम्र में इतना कुछ उन्होंने लाइफ में अचीव किया है। डॉक्टर सुधीर सिटोकी ने सभी को बताया कि लाइफ में अपने गोल को कैसे अचीव करें, 10वीं और 12वीं के बाद कौन से विषय का चयन करें, स्टूडेंट को लोकप्रिय विकल्प के बारे में भी बताया, फिजियोथेरेपी, पोषण और आहार विज्ञान, इंजीनियरिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री तथा मैथ्स जैसे विषयों के बारे में बताया। 12वीं के बाद सबसे ज्यादा डिमांड वाले कोर्स कौन से हैं वह भी बताया। यदि आपके 12वीं में कम मार्क्स आए हैं और महंगे कोर्स करने का आपका बजट नहीं है, उसके लिए भी कई सारे ऑप्शंस बताए। उन्होंने अभिभावकों को बताया कि बच्चों में क्या रुचि है और उसके स्किल्स क्या बोलते हैं। अगर उस समय बच्चे को सही मार्गदर्शन मिले तो संभव है कि बच्चा जिंदगी में एक सफल मुकाम हासिल कर सकता है। जरूरी नहीं कि बच्चा जो क्षेत्र पसंद करता है उसमें वह सफल साबित हो, क्योंकि अगर उसके स्किल्स रुचि से भिन्न है तो करियर काउंसलर की मदद जरूरी होती है। बच्चों की क्षमता, रुचि और स्किल्स को परखने का कार्य करना चाहिए। इससे हर बच्चे का भविष्य सुनहरा हो सकता है। साथ ही में बच्चों के लिए समय समय पर प्रतियोगिता भी करवानी चाहिए, ताकि बच्चों की क्षमता का पता लगाया जा सके कि बच्चा कौन से क्षेत्र में सफल हो सकता है। कार्यक्रम के तहत छात्रों को हर क्षेत्र में बेहतर बनाने के लिए डॉक्टर सुधीर ने कई तरह के टिप्स दिए। आर्ट्स, कॉमर्स और विज्ञान विषयों के साथ इंटर उत्तीर्ण करने वाले बच्चे को किस क्षेत्र में करियर का चुनाव करना चाहिए, उन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया कि विज्ञान विषय के साथ आगे बढ़ने वाले बच्चे केवल बीटेक अथवा डॉक्टर ही नहीं बन सकते, बल्कि उनके लिए अनेकों विकल्प हैं। उन्होंने विस्तार से बच्चों को इसकी जानकारी दी। 1.5 घंटे चले इस कार्यक्रम में उन्होंने बच्चों द्वारा पूछे गए जिज्ञासा भरे प्रश्नों के भी उत्तर देकर बच्चों को संतुष्ट किया। इस मौके पर छात्र छात्राओं ने टिप्स को बड़े ही ध्यान से सुना। बच्चों ने उन्हें पूरी लगन से सुना और उससे संबंधित प्रश्न भी पूछकर अपनी जिज्ञासा शांत की। इसके अलावा डॉक्टर सुधीर ने यह भी कहा कि आगे करियर के संबंध में बच्चों को फोन पर अथवा यहां आकर टिप्स जरूर देंगे। कार्यक्रम के अंत में प्रदेश अध्यक्ष कल्पना सैनी, मीडिया प्रभारी रश्मि चौहान, सचिव विनीता सैनी, सतना अध्यक्ष चारुलेखा बड़ोलिया ने आभार माना और बच्चों के बेहतर भविष्य की कामना की। ब्यूरो रिपोर्ट, रश इंडिया न्यूज़।